एवं मुंगेर यूनिवर्सिटी मुंगेर के समस्त छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों, शिक्षकों, गैर शिक्षक जितने कर्मचारी हैं, सभी को मैं संबोधित करना चाह रही हूँ। आज हम सभी जानते हैं कि ये कोविड महामारी जो पिछले वर्ष पूरे भारत में फैली थी, भारत में ही नहीं, इट बिकेम अ पैंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आज फिर एक पैंडेमिक के रूप में आ गई है और भारत में आज की डेट में 1 लाख से ऊपर ये केसेस आ गए हैं। ऐसे समय में हम लोगों ने आदेश पर अपनी समस्त कक्षाएं 11 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई हैं। अब इस बीच में हमेशा ये कहा जाता है कि व्हेनेवर देयर आर चैलेंजेस देयर आर आल्सो अपॉर्चुनिटीज। मैं ये चाहूँगी कि इस अवधि में हमारे जितने छात्र छात्राएँ हैं वो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और इसी के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं विश्वविद्यालय से महाविद्यालयों से संचालित करेंगे। ये विश्वविद्यालय ने एक आदेश पारित कर दिया है और इसमें मैं चाहूँगी कि समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं वो ड्यूटीफुली कक्षाएं लें और जितने छात्र छात्राएं वो अपने क्लासेस को अटेंड करें। इसी के साथ जितने शिक्षक हैं वो ई कंटेंट को बनाएँ और अपनी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें और यूनिवर्सिटी में भी अपने ई कंटेंट को सबमिट करें। इसी के साथ जब हम अपने बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि हम किसी भी तरह से भयभीत ना हों, हम ये ना सोचें कि हम किस तरह से हमें कहीं कोविड तो नहीं हो जाएगा, यदि हम थोड़ी सी होशियारी करें तो हम इस कोविड से बच सकते हैं और इस कोविड से बचने के लिए हमें कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। इस प्रोटोकॉल में हमें कम से कम 3 मीटर की दूरी बनाकर रखनी है, हमें हमेशा मास्क ऐसा करते रहेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि हम कोविड से बचे रहेंगे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ क्योंकि वैक्सीनेशन पूरे भारत में अब शुरू हो चुका है, तो जो लोग अबव 45 हैं, एलिजिबल हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए, लेट अस ऑल प्रोसीड और हमें 100% वैक्सीनेशन भी करके दिखाना है। आइए हम इस कोविड की लड़ाई को लड़ें और करके दिखा दें इन दोनों विश्वविद्यालयों में, भागलपुर विश्वविद्यालय में, मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर में, और इनफैक्ट पूरे भागलपुर, पूरे मुंगेर में और पूरे बिहार में एक ऐसी लहर फैलाएं कि हम दिखा दें कि हम कोविड से जीत सकते हैं। आप किसी भी तरह परेशान न हो, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।